Hey, what's up guys, this is Sanjeev and welcome back to again my YouTube channel. So guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फर्जी लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर. ओके, मैं आपको देने वाला हूँ जितने भी आपके मन में फर्जी लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन उठते हैं सबका आंसर देने वाला हूँ. और मैं बहुत माफी चाहूंगा कि मेरे बहुत सारे भाई बहुत सारे बहन फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लेके बहुत ज्यादा परेशान है और वो कमेंट करते हैं, मैं रिप्लाई तक नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं रहता है. लेकिन आज मैं टाइम निकाला हूँ, रात के बज रहे हैं 12 और इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ और फर्जी लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे आपके क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ. जो भी आपके मन में आपके दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं कि सर ये फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहे हैं और अगर हम इनका लोन नहीं देते हैं तो क्या होता है, हम इनका लोन चुका देते हैं फिर भी हमसे बार बार लोन का रिपेमेंट करने के लिए बोलते हैं, हम इनसे लोन नहीं लेते हैं, एक बार का ले चुके हैं, ये बार बार हमारे अकाउंट में लोन का रिपेमेंट करने के लिए बोलते हैं और बाद में हमारे अकाउंट में पैसा भेज देते हैं. ओके, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आज मैं इस वीडियो में लेने वाला हूं. तो गाइस, अगर आप किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लियो तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना, किसी फर्जी यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़ना जो साले चूतिया बनाते हैं और बोलते हैं कि आप इन एप्लीकेशन से लोन ले लो, इतना लोन ले लोगे कि ये बर्बाद होकर भाग जाएंगे. वो चूतिया एक नंबर के, उनको कुछ पता होता नहीं है, वो सिर्फ फर्जी वीडियो बनाते हैं कि उनपे व्यूज आए. मैं यहाँ व्यूज कमाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं शुरू से बोलता हूँ कि फर्जी लोन एप्लीकेशन से आपको नहीं लेना एक रुपया का लोन. तो वैसे बेवकूफ यूट्यूबर जो कि दूसरे का वीडियो देख देख के कुछ भी कॉपी करके बनाते हैं, कुछ आता है ना कुछ पता है, कुछ भी बनाते हैं, उनके वीडियो पे बिल्कुल भी ध्यान आपको नहीं देना है. अगर आप किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ली हो, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन का आंसर आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, पूरा इस वीडियो को देखना. ओके, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं. तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले अपस्टॉक ग्रो और ICICIdirect.com का लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो, रेफर करो, पैसा कमाओ. जब तक ये तीनों एप्लीकेशन रेफरल का पैसा दे रहे हैं, एक रुपया आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है. अपस्टॉक आपको पर रेफर देता है 300 रुपये, ग्रो आपको देता है पर रेफर 100 रुपये और ICICIdirect.com आपको पर रेफर देता है 200 से लेकर 300 रुपये, कभी 250, कभी 200, कभी 300 आपको देता है. अब आपको करना क्या है, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन तीनों एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा. पहला है ग्रो, अगर आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के देखे लिंक से डाउनलोड करके KYC करोगे तो आपको 100 रुपये मिलेगा, मुझे भी 100 रुपये मिलेगा और आप उस पैसे को इजिली अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो. दूसरा है अपस्टॉक जो कि आपको पर रेफर देता है 300 रुपये, उस पैसे को भी गाइज आप इजिली अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो. जो भी आप रेफरल कर करके पैसा कमाओगे इन तीनों एप्लीकेशन से, सारा इजिली आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो. तीसरा है ICICIdirect.com, पर रेफर आपको देता है 200 से लेकर 300 रुपये, कभी 250, कभी 200, कभी 300 देता है, अभी पर रेफर आपको 250 रुपये दे रहा है. ओके, बाकी गाइज मैं आपको बता दूं इन तीनों एप्लीकेशन का लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ना एक रुपया लगाना है ना एक रुपया लगवाना है, खाली आपको रेफर करना है और दबा के पैसा कमाना है. कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी एप्लीकेशन से आपको लोन लेने की जब तक ये तीनों एप्लीकेशन आपको रेफरल का पैसा दे रहे हैं. और गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन तीनों एप्लीकेशन से रेफर कर करके पैसा कमाते हो तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेने की, क्योंकि ये तीनों एप्लीकेशन बहुत ही कमाल के हैं, अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं. मैं खुद लाखों रुपए इन तीनों एप्लीकेशन से अभी तक खाली रेफर कर करके कमा चुका हूं. बाकी आपकी मर्जी है, लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ना एक रुपया लगाना है ना एक रुपया लगवाना है, खाली आपको रेफर करना है, पैसा कमाना है, पर रेफर आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा. ओके, तो गाइस बाकी आपकी मर्जी है. चलिए अब मैं आपको बताता हूँ फर्जी लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो मेरे पास आते हैं उनको मैं एक एक करके लेता हूँ. तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सर हम फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों का लोन चुकाएं कि नहीं चुकाएं, सबसे बड़ा क्वेश्चन. तो भाई एक रुपया नहीं चुकाना है, ठीक है, सुन लीजिए. अगर आपको 7 दिन का लोन दिया है, लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं दिया है, सेंसर लेटर नहीं दिया, आपके सिविल में शो नहीं हो रहा है, तो आपको एक रुपल्ली जिसको बोलते हैं ना, चुकाने की जरूरत नहीं है. ये फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले, मतलब इनको मैं जितनी भी गंदी गाली दूं ना वो कम पड़ जाएगा. तो कोई भी, मतलब कोई क्या, आप जितनी भी दुनिया की गंदी गाली है ना, आप सोच लो मैं इन फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों को दे दिया हूं, ठीक है. अब गाइस मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से आप लोन लिए हो, 7 दिन का लोन दिया है, लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं दिया है, सेंसर लेटर नहीं दिया, आपके सिविल में शो नहीं हो रहा है, अपने NBFC का नाम नहीं बता रहा है, तो उसको एक रुपया देने की जरूरत नहीं है. ओके, पहला डाउट आपका क्लियर. और कभी भी इन फ्यूचर आपके साथ ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ना आपका सिविल खराब कर सकते हैं, ना आपके यहाँ वकील भेजेंगे, ना आपके यहाँ कोई पुलिस वाला आएगा, कुछ नहीं होने वाला यार आपके साथ. लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों से लोन लेना बंद नहीं करोगे, ये लोन देते रहेंगे. और मैं आपको बता दूंगा, इस पुलिस हो या कोई भी हो,
गाइस पैसा फेंको तमाशा देखो, मैं शुरू से अपने वीडियो में बोल रहा हूँ, ये पैसा खिला के सबका मुंह बंद कर देंगे। तो आप किसी और पे भरोसा मत करिए, आप खुद अपने आप पे भरोसा करिए और अपने आप को इतना स्ट्रांग करिए कि आपको एक रुपया इन फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों को नहीं देना है। और किसी भी फर्जी फालतू यूट्यूबर का वीडियो मत देखिए जो कि अपने व्हाट्सएप पे बारकोड लगा के बैठे हुए हैं और सिर्फ पैसा के लिए वीडियो बनाते हैं कि मेरे से आओ संपर्क करो, हम बहुत बड़े कहीं के बहुत बड़े भगवान हुए हैं, हम तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कोई भी यूट्यूबर आपको बोले कि मेरे से इस एप्लीकेशन के थ्रू कॉल पे बात करो, वो कॉल पे बात करोगे आप, उसका पैसा बनेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ आपको यही राय देगा कि जिस भी एप्लीकेशन से लोन लिए हो उसका लोन मत चुकाओ, वही सेम वीडियो देख के दूसरे का वही आपको पढ़ा देगा पट्टी और आप उल्लू बन जाओगे और आपका पैसा कट कर जाएगा। ओके, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भरे हुए हैं जो कि मतलब बस पैसा कमाने यूट्यूब पे हैं, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, वो बोलेंगे कि मुझे इतना पैसा दो फिर मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। क्या सॉल्व करोगे बे, तुम क्या उनके बाप हो फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों के जो तुम सॉल्व करोगे? तो ऐसे यूट्यूबर से बच के रहना है जो कि अपने व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हैं बारकोड का कि पहले स्कैन करो पैसा दो उसके बाद हम तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और किसी कॉल मी फोर ऐसा कोई एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन से आपसे बात करते हैं जो कि मिनट के हिसाब से अच्छा खासा पैसा चार्ज करता है और उस यूट्यूबर को पैसा जाता है और आपकी कोई भी हेल्प नहीं होती है। वो सिर्फ घुमा फिरा के बात को एकदम लंबा करेंगे और उसके बाद से इतना लंबा कर देंगे कि आपका बिल अच्छा खासा बैठ जाएगा और उनको प्रॉफिट होगा आपको लॉस होगा। लोग मतलब पहले से परेशान है और तुम लोगों को चूतिया बना बना के पैसा ले रहे हो। मतलब मेरे पास इतना ज्यादा कमेंट आ रहा है कि सर ये यूट्यूबर मुझसे 2500 ले लिया, ये यूट्यूबर मुझसे 4000 ले लिया। आपसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा यार, आप लोग देते ही क्यों हो? आप यार आप किस चीज में कम हो मुझे ये समझाओ, आप किस चीज में कम हो? आप क्या उस चीज को प्रॉपर नॉलेज नहीं कर सकते हो, उस चीज का नॉलेज नहीं ले सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो नहीं देख सकते हो? मतलब कमाल है भाई, मतलब आप लोग कुछ भी किसी भी यूट्यूबर को कुछ भी पैसा दे दे रहे हैं डर के, डरने की जरूरत नहीं है। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर मेरे पास जो है ना वो फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों से मैं एक बार लोन लिया था, अब मैं उनसे दोबारा लोन भी नहीं लिया हूं और पता नहीं किस किस एप्लीकेशन वालों ने मुझे फोन करके बोला है कि आपने इससे लोन लिया है उससे लोन लिया है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आप एक बार भी किसी भी एप्लीकेशन से अगर लोन लेते हो तो फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों के पास आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट पहुंच जाता है और उनके जो रिकवरी एजेंट है वही आपको बार बार फोन करके बोलते हैं और वही झूठ मूठ का आपसे बोलेंगे दूसरे दूसरे फर्जी लोन एप्लीकेशन का नाम लेके कि आपने इनसे लोन लिया है, इनसे लोन लिया है, लोन चुकाओ नहीं तो हमारे पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट लिस्ट है, हम उस पर कॉल करेंगे, तुमको परेशान करेंगे, तुमको बदनाम करेंगे, फालतू फालतू गंदी गंदी वीडियो भेजेंगे। अब मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का राज। अब राज ये है कि जो भी फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले होते हैं वो फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों से अगर आप एक बार का लोन ले लिए किसी भी एक फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों से तो इनका लिंक रहता है सारे फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों से। ओके, और इनके जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो आपके नंबर का मेनली मेन जो आपके नंबर का फायदा उठाते हैं वो इनके रिकवरी एजेंट होते हैं। अब आपने एक लोन एप्लीकेशन से सपोज डेट आपने एक फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया, उसका आपने रिपेमेंट कर दिया, अब फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों को लगेगा कि अरे यार ये तो बंदा डर गया, बार बार रिपेमेंट कर रहा है कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पे, मतलब जब इसको कॉन्टैक्ट लिस्ट का धमकी दे रहे हैं तो ये बार बार हमारा लोन चुका ही दे रहा है, तो चलो इसको और चूतिया बनाते हैं, हमारे पास इसका कॉन्टैक्ट लिस्ट है ही, और झूठ मूठ का फर्जी लोन एप्लीकेशन का नाम ले लेके मतलब अलग अलग लोन एप्लीकेशन का नाम लेके हम इससे पैसा वसूलते हैं। तो जिन फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों से आपने पहली बार लोन लिया था उसी के रिकवरी एजेंट आपको बार बार कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और झूठ मूठ का बोलेंगे कि आपने इस एप्लीकेशन से लोन लिया, इस एप्लीकेशन से लोन लिया है, हमारे पास आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट है, हमको इतना पैसा फोन पे करो, इतना पैसा गूगल पे करो, नहीं तो हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, फालतू फालतू गाली देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा बदनाम करेंगे। ठीक है, तो गाइज ऐसा कोई भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने किसी भी एप्लीकेशन से लोन नहीं लिया है, आपने जो एक बार फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया था ना वही फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों के रिकवरी एजेंट हैं जो कि आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट पा गए और आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और जिन एप्लीकेशन से आपने लोन नहीं भी लिया है उन एप्लीकेशन को भी बता रहे हैं कि आपने इनसे लोन लिया, हमको इतना पैसा फोन पे करो, गूगल पे करो। कभी भी एप्लीकेशन के थ्रू वो पैसा नहीं मांगते होंगे, ये बात सच है ना, कमेंट करके बताना। वो आपको बोलेंगे फोन पे कर दो, गूगल पे कर दो, पेटीएम कर दो, भीम कर दो, यूपीआई कर दो, मार मतलब लाना ढिमकाना बहुत ज्यादा चीज बोलेंगे और आप डर के कर दोगे कि अरे यार हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट तो उनके पास है, हमारी तो इज्जत ही चली जाएगी, मतलब कमाल है भाई। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर ये फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले आपको एक गाली देते हैं तो इनको आप 10 गाली दो। ठीक है, एक गाली देते हैं तो 10 गाली दो, ये ऐसे ही मानेंगे, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। ठीक है, तो सो गाइस मैं आपको बता दिया कि अगर कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से आप लोन ली हो, 7 दिन 15 दिन का लोन दिया है, आपके सिविल में शो नहीं हो रहा है, लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं दे रहा है, सेंसर लेटर नहीं दे रहा है, तो एक रुपया उसको लोन देने की जरूरत नहीं है। बाकी ना आपके ये घर आ सकते हैं, ना आपके रिकवरी एजेंट भेज सकते हैं, ना पुलिस भेज सकते हैं, ना आपके खिलाफ कोई भी लीगल नोटिस निकाल सकते हैं, ये सिर्फ इनकी
गीधड़ धमकियां हैं, गीधड़ धमकियां हैं। ओके, ये सिर्फ आपको डराते हैं, बाकी कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से लोन लियो, डेली का पेनल्टी लगा लगा कि आपका 5,000 का लोन अगर 50,000 के भी हो जाएगा, फिर भी आपको 1 रुपया लोन चुकाने की जरूरत नहीं है। तो इन एप्लीकेशन से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आई होप गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं, जो भी आप लोग कमेंट कर करके पूछते हो। बाकी अगर आपको सही में लोन चाहिए तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्रूबैलेंस एप्लीकेशन का। ट्रूबैलेंस एप्लीकेशन सिर्फ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन दे देता है, वो भी मिनटों में, सिर्फ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से। बाकी गाइस मैं आपको बता दूं, ट्रूबैलेंस एप्लीकेशन से आप 2 तरीके का लोन ले सकते हो, एक लेवल अप लोन, एक कैश लोन। कोई भी आप लोन ले सकते हो, ना बैंक स्टेटमेंट देना है ना ही सैलरी स्लिप देना है। कुछ केसेस में हो सकता है अगर आप कैश लोन लेते हो तो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगा जाए, क्योंकि ट्रूबैलेंस एप्लीकेशन स्टार्टिंग में ही आपको कैश लोन ज्यादा ऑफर करता है, दैट्स व्हाई आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग सकता है। अदरवाइज अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के देखे लिंक से ट्रूबैलेंस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और मिनटों में लेवल अप लोन ले सकते हो सिर्फ अपने आधार कार्ड पैन कार्ड से। हालांकि स्टार्टिंग में कम लोन मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोन का रिपेमेंट करते जाओगे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। टोटली 11 लेवल होते हैं, जैसे ही आप 1 लेवल पर पहुंचोगे आपको 1 लाख तक का मैक्सिमम लेवल अप लोन मिल जाएगा। हालांकि स्टार्टिंग में कम मिलेगा, लेकिन लोन आपको मिल जाएगा। और गाइस अगर आपको थोड़ा बहुत सिविल स्कोर कम है, सिविल स्कोर थोड़ा बहुत खराब है, ज्यादा कम ज्यादा खराब रहेगा तो नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत कम है थोड़ा बहुत खराब है, अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा बहुत कम है थोड़ा बहुत खराब है फिर भी आपको ट्रूबैलेंस एप्लीकेशन लोन दे देगा, तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर सकते हो और मिनटों में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, बाकी अपस्टॉक ग्रो और ICICIdirect.com का लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो, रेफर करो, पैसा कमाओ। यही था आज के इस वीडियो में। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए वंदे मातरम दोस्तों।